कब्रिस्तान पे जाने के लिए इजाजत अब जानते हैं कि 13 जुलाई 1931 को जो हमारे लोग शहीद हुए थे, जिन्होंने शख्सी राज डिक्टेटरशिप बेगार के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान दी, आवाज़ बुलंद करते हुए और एक जमहूरी निज़ाम और इंसाफ को कायम करके, उस वक्त तो अदालती इदारे भी नहीं थे, जुडिशरी मौजूद नहीं थी, तो उन चीज़ों को लाने के लिए उन हमारे साथियों ने, हमारे असलाफ़ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारी रिवायत है, पूरे कश्मीर में ये रिवायत है कि सभी सियासी पार्टियाँ, सभी समाजी पार्टियाँ, मजहबी पार्टियाँ, दीनी पार्टियाँ जाती हैं और वहाँ उनके हक़ में खराज अकीदत पेश करते हुए अल्लाह तबारक ताला से उनकी बुलंद दर्जाती के लिए दुआएं मांगते हैं। आज हज़्ब प्रोग्राम हम निकले थे, लेकिन आप देखते हैं कि हुकूमत ने फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। हमारी कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में जो हमारी कायदीन की टीम जा रही थी, उनको जाने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, तो ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। इसके बावजूद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहेंगे कि जमहूरी जो हमारे हकूक़ हैं, मेहरबानी करके उनको दबाइए मत, हमें अपने हकूक़ अदा करने दीजिए, और क्योंकि हम इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क के वफादार लोग हैं, हमें फ़राइज़ पता है कैसे निभाते हैं, आज तक अपने फ़राइज़ हम खुश असलूबी से निभाते आए हैं, इसलिए हमारे हकूक़ भी बनते हैं। मेहरबानी करके कश्मीरी आवाम को, जम्मू के आवाम को अपने हकूक़ से बाज मत रखिएगा, इनको ये हकूक़ मत छीनिएगा, क्योंकि ये जो कुर्बानियाँ हैं, जो आज के शहदा, आज की जो 13 जुलाई को शहीद हुए, उन्होंने दी है, इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ दी है, इसी शख्सी राज और दोस्त दबाव के ख़िलाफ़ दी है। मेहरबानी करके उस चीज़ को मत जगाइएगा, यहाँ अच्छे तरीके से एक अच्छा ख़ास एक साजगार माहौल पैदा हुआ है, उसको कायम रखते हुए आप हमें आगे बढ़ने दीजिएगा, और जमहूरी जो उसूल हैं हमारे मुल्क के मुकद्दस आइन के मुताबिक उनकी आबियारी कीजिएगा, और आवाम को, मीडिया को, सोसाइटी को खुले तौर, आज़ादाना तौर, आइन कानून के मुताबिक अपनी मजहबी रसूम भी अदा करने दीजिए, और ज़िंदगी की जो बाकी शोबे हैं उनमें भी अपना काम कर लीजिए। आप पे जाएंगे फातह पढ़ने के लिए, तो किस कानून में लिखा है आपने असलाफ को मकबरे पे जाओ और पहले परमिशन ले, इसमें कोई परमिशन कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई आर्टिकल 144 इन्वोक नहीं हुआ है, हम कहीं भी खुले तौर जा सकते हैं, आप, हम, आवाम कोई भी, और मकबरे पे फातह पढ़ने, दुआ मांगनी है अल्लाह से उनकी मगफरत के लिए, उनकी बुलंद दर्जाती के लिए, इसमें हुकूमत से इजाज़त क्यों ले, क्योंकि हुकूमत ने का कैंसिल करना वो तो उनके इख्तियार में था। इवेंट ये इतना मोजज़ मुकद्दस इवेंट है, क्योंकि अगर आज वो इवेंट न बताने वाले जमहूरियत को एंजॉय करने हैं, कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें निशावर कर दी। उनको क्या पता है इवेंट क्या है, कौन लोग कहते हैं इवेंट नहीं है, बाहर के आए हुए लोग, यहाँ कौन सा लोकल लोग है, कौन सी लोकल गवर्नमेंट है जिसने छुट्टी कैंसिल कर दी है, यूपी, दिल्ली, बिहार, कर्नाटका, गुजरात से लोग आए हैं, वही ऑफिसर हैं, वही एडवाइज़र हैं, वही गवर्नर हैं, वही चलाने वाले, और वो कहें यहाँ का इवेंट ही नहीं है, उनको क्या पता हमारी तबारीख का, उनको क्या पता हमारी असलाफ के कुर्बानियों का, उनको क्या पता इस मुल्क के साथ जुड़ने के लिए हमने कितना खून बहाया है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे इवेंट क्या है। इवेंट यहाँ के बच्चे बच्चे से पूछो, जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछो, किन से पूछते हो, बाहर वालों से, हम इस चीज़ को इस तरह से रिजेक्ट करने हैं।
जो ये बताते हैं इवेंट ही नहीं है। शुक्रिया।